दोस्तों हाल ही में कई सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जिनसे हमें पता चलता है कि सऊदी अरेबिया के जो अभी करंट क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, ये अपनी असैसिनेशन को लेकर काफी ज्यादा चिंता में है। एंड ये जो डर इनको लगा हुआ है कि इनकी असैसिनेशन करवाई जा सकती है, तो इसका एक बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट डायरेक्टली इसराइल से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है कि इनकी असैसिनेशन कोई इंडिविजुअल आकर करने वाला हो या फिर इनकी इंटेलिजेंस को कुछ ऐसी खबर मिली हो कि इनकी असैसिनेशन हो सकती है। ये सब कुछ ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस ने इसराइल के साथ अपने रिलेशंस को अगर नॉर्मलाइज कर दिया तो तब इनकी असैसिनेशन हो सकती है। अब आप लोगों के मन में एक जेन्युइन क्वेश्चन उठेगा कि अगर इसराइल के साथ सऊदी के रिलेशंस नॉर्मल होते हैं तो इससे इसराइल तो खुशी होगा, ये तो इसराइल के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ही है, तो फिर ये असैसिनेशन करवाएगा कौन? तो यही पूरी चीज आपको मैं आज की इस वीडियो में डिटेल में समझाता हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों दुनिया भर में जो भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके इसराइल के साथ कैसे रिलेशंस हैं, ये तो मुझे शायद से ही आपको बताने की जरूरत पड़ेगी। मोस्ट ऑफ द जो इस्लामिक कंट्रीज हैं ये इसराइल को एक कंट्री तक भी नहीं मानती, जिसमें हमारी दो नेबर कंट्रीज पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल है। मतलब की सीधी सीधी बात करी जाए तो इन सभी कंट्रीज के हैं इसराइल के साथ जीरो डिप्लोमेटिक रिलेशंस। लेकिन फिर साल आता है 2020 का और इस पूरे इशू पर एंट्री मारते हैं उस टाइम के यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप के अंडर ही अब्राहम अकॉर्ड नाम से इसराइल और कई अरब कंट्रीज के बीच में एक बायलैटरल एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है, जिसमें इस एग्रीमेंट का सीधा सा मतलब ये था कि जो भी कंट्रीज इसे साइन कर रही हैं, उनके इसराइल के साथ रिलेशंस नॉर्मल हो चुके हैं और वो इसराइल को एक सुपरन कंट्री की तरह देखते हैं। एंड इवन उस टाइम पे कई कंट्रीज जैसे बहरीन, यूएई, सूडान, मोरक्को, इन सभी ने अब्राहम अकॉर्ड को साइन किया था। एंड यूएई ने तो उस टाइम पे पहली बार इसराइल के साथ अपने फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्टेबलाइज भी किए थे, जो कि उस टाइम पे अपने आप में काफी बड़ी बात थी, क्योंकि इसराइल को एक कंट्री रिकॉग्नाइज करने को लेकर कई इस्लामिक कंट्रीज का काफी हार्ड स्टैंस रहा है। लेकिन जैसे ही यूएई और दूसरी कई इस्लामिक कंट्रीज ने इसे साइन किया, उसके बाद यूएसए की एक्सपेक्टेशन इसको लेकर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। यूएसए ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि सऊदी अरेबिया भी इसे जल्दी साइन कर देगा। एंड सच बोलूं तो हमें देख के कहीं ना कहीं लग भी रहा था कि सऊदी अरेबिया और इसराइल के टाइज आपस में नॉर्मल हो सकते हैं। एंड वेल, अगर ऐसा पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाता तो दूसरी जो कई इस्लामिक कंट्रीज है उन्हें भी इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करने के लिए पुश मिलता, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि सऊदी अरेबिया को इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मक्का और मदीना जैसी होली साइट्स मौजूद है, जिससे अगर ये लोग इसराइल को रिकॉग्नाइज कर देते तो दूसरी कंट्रीज भी इसके बारे में जरूर सोचती। लेकिन फिर दिन आता है अक्टूबर 7, 2024 का, जब इसराइल पर हमास की तरफ से टेररिस्ट अटैक किया जाता है, जिसके रिस्पांस में इसराइल गाजा में एक बड़ी वॉर डिक्लेयर कर देता है। और उसके बाद जितनी भी डेवलपमेंट इसराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में हो रही थी वो दरी की दरी रह जाती है, क्योंकि सऊदी अरेबिया पर भी इस्लामिक कंट्रीज का काफी ज्यादा प्रेशर था कि आप इसराइल का इतना ज्यादा एग्रेशन देख के इनके साथ कैसे डेवलपमेंट रख सकते हो। लेकिन अब फिर से एक बार यूएस सऊदी पर इस चीज का प्रेशर बना रहा है कि सऊदी अपने टाइज को इसराइल के साथ नॉर्मल रखे, जिसकी वजह से कई ऐसे आर्टिकल सामने आ रहे हैं कि सऊदी के क्राउन प्रिंस काफी ज्यादा परेशान है। आर्टिकल्स की माने तो इनका ये कहना है कि इसराइल के साथ अपने टाइज को नॉर्मलाइज करके ये अपनी लाइफ को ही डेंजर में डाल रहे हैं, यानी अगर कल के दिन ये इसराइल के साथ अपने टाइज को नॉर्मलाइज कर देते हैं तो कहीं ना कहीं इनके जो खुद के लोग हैं ये इस डेवलपमेंट से खुश ना होकर इनकी ही असैसिनेशन करवा देंगे। और इस चीज पर इन्होंने बार बार अनवर सादात का भी एग्जांपल दिया है। आपको बता दूं कि अनवर सादात ने पहली बार यूएस के साथ मिलकर इसराइल और इजिप्ट के रिलेशंस को नॉर्मलाइज किया था, जिसके बाद इनकी ही कंट्री में कई कट्टर सोच वाले लोगों ने इनके इस फैसले से खुश ना होकर इनकी असैसिनेशन करवा दी थी। इसलिए आज के टाइम सऊदी के क्राउन प्रिंस भी इसी बात पर चिंतित हैं। ऊपर से इस टाइम पे गाजा वॉर की वजह से इस्लामिक कंट्रीज इसराइल पर वैसे ही काफी ज्यादा गुस्सा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे आप इस पूरे मामले को इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये नॉर्मलाइजेशन होना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को अनाउंस किया गया था, जो कि इंडिया को मिडिल ईस्ट से होते हुए यूरोप का पूरा एक्सेस दिलाता है। एंड फॉर ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन इसराइल भी इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि इससे इंडिया को तो फायदा होता ही होता, लेकिन मिडिल ईस्ट में भी प्रोग्रेस काफी ज्यादा होने वाली थी। दिस इज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी चेंज, अ मॉन्यूमेंटल चेंज, Another pivot of history. प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए इसराइल और सऊदी अरेबिया का एक पेज में होना बहुत जरूरी है। तो वो देखेंगे आगे इस पूरे मैटर में क्या डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है, क्या जो बाइडेन के टाइम पे ही हमें इस पर कोई डेवलपमेंट देखने को मिलती है या फिर यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद हमें इस पे कुछ देखने को मिले। सो हु नोस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और डेली करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस ऐसे ही देखते रहने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। जय हिंद।